छुप के बहता रहे पर राम बहता रहे हैं पैरा सरयाम चुप के बहता रहे हैं पैरा सरयाम चुप के चुप के वो हटा रहे बेदा सरयाम चुप के ओ मैं नजारा कर रहा हूँ मैं नजारा कर रहा हूँ मैं नजारा कर रहा हूँ सरयाम चुप के चुप के वो हटा रहे पैदा ये झुकी झुकी निगाहें ये हसी हसी नजारे ये झुकी झुकी निगाहें ये हसी हसी नजारे ओ ये झुकी झुकी निगाहें ये हसी हसी नजारे ये झुकी झुकी निगाहें ये हसी हसी नजारे ओ मुझे दे रहे हैं शायद मुझे दे रहे हैं शायद पैगाम चुप के मुझे दे रहे शायद पैगाम चुप के वो देखा चलते चलते यू कदम कदम पे सोखी न देखा चलते चलते यू कदम कदम पे सोखी न देखा चलते चलते यू कदम कदम पे सोखी न देखा चलते चलते ओ कोई कत्ल हो रहा है ओ कोई कत्ल हो रहा है कोई कत्ल हो रहा है सरयाम चुप के कोई कत्ल हो रहा है सरयाम चुप के वो हटा रहे पैदा सरयाम चुप के वो हटा रहे पैदा वो हटा रहे हैं पैदा सरयाम चुप के वो हटा वो हटा रहे हैं चुप के वो हटा रहे हैं पैर
चपके वो हटा रहे हैं पर्दा सारे आम चपके चपके ओ मैं नजारा कर रहा हूँ चपके चपके वो हटा रहे पर्दा चपके चपके वो हटा रहे पर्दा चपके चपके मैं नजारा कर रहा हूँ चपके चपके वो हटा रहे पर्दा वो हटा रहे पर्दा वो हटा रहे पर्दा ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय जगत जिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः हरि ओम सहस्रशीर्षा मूर्खः सहस्राक्ष सहस्रपात सघोम गुं सर्वत स्पृत्वा तिष्ठिदशाङ्गुलम् पुरुक एवेद गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उत मृत्युशेषानो यदन्नेन दरोहति एतावानस्य महिमादो जायांश मुरुगः पादोश विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्व उदेत् पुरुका पादोशीहा भवत् पुनः ततो विक्रं विक्रामत्साशनान सने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुगः सजातो अत्यरिष्यतौ पश्चादि भूमिमथो पुरः तस्माद्ज्ञात सर्वहूतानिच श्यामानि जगनिरे छन्दाग्वंसि जगनिरे तस्माद्युष्माद् जायत तस्माद्श्वा अजायन्त ये केचोभयादत गावोह जगनिरे तस्मात् तस्माद् जाता अजावयः तं यज्ञं बहिर्कि प्रक्षन्नं पुरुकं जातमकृत तेन देव अयजन्त साध्यादिकयश्च ये यदपुरुकं व्यजदोचिता व्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीतं किं बाहु किमुरुपादा उच्यते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीदं बाहुराजन्यः कृत उरुत्तदस्य द्वस्य पदव्यागुं सूत्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातचोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तर्क्ष पुंसिष्णाम्द्यौहौ समवर्तत पदव्यां भूमिदिशः श्रोत्रां तथा लोकानकल्पयन् तदपुरखेणः विकं देवाजज्ञमतन्वत वसन्तोष्यासीदाज्यं वीक्मम् इदमसरद्धवे होली सद्गुरुदेव भगवान् की जय हो
वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुर्वे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती महाभागे वरदे कामाद रूपेण विश्वरूपी विशालाक्षे विद्यां देहि परमेश्वरी गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे कर्पूरी गौरं करुणावतारं संसारी सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमा मनोजुगं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्रके अम्बके गौरी नारायणी नमो कृष्णाय वासुदेवाय नंदाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्ण कृष्ण कपालो तुम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण इति नाम जपता भक्ता नाम भयं कुरु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्याद हेतवे पापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो श्री राधे राधे हो श्री राधे राधे सभी खड़े होकर के प्रेम से आरती करेंगे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत मंडलीवगर्भसम्भूतं कर्पूरं प्रदीपितं आरार्तिकम् अहं करोमि तस्मै वरदो भव आरती के छंद लेने हाथों में
कर दो जीवन का कल्याण, ओ कर दो जीवन का कल्याण। जय जय श्री भागवत पुराण, ओ जय जय श्री भागवत पुराण। जय जय श्री भागवत पुराण, ओ जय जय श्री भागवत पुराण। Yeah.
स्थानि धर्माणि प्रतिमन्याशन्नः देहनागम महिमानः सृजन चित्र भूरवे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य शायने नमो वयम् वैश्रवणाय कुरमहि शमी कामाय काम कामाय वयम् कामेश्वरो वैश्रवणो दधातो कुवीराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्व ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि बोले बाल कृष्ण भगवान की भागवत महापुराण की व्यास भगवान की भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करें, सभी को आरती दें। मुझको यकीन आएगा मेरा यार सावरा, मुझको यकीन आएगा मेरा यार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सावरा, ओ बिगड़ी मेरी यार सावरा। Oh, yeah.
तेरा हो जाएगा। तो फिर कहना है तेरे जीवन में क्या होगा, छट जाए गम के बादल, हिम्मत से काम ले, छट जाए गम के बादल, हिम्मत से काम ले, छट जाए गम के बादल, हिम्मत से काम ले, जाए गम के बादल, हिम्मत से काम ले, मुश्किल के वक्त में बस काना का नाम ले, मुश्किल के वक्त में बस काना का नाम ले। और सुन, गम खार बन के आएगा, गम खार बन के आएगा, मेरा यार सावरा, गम खार बन के आएगा, मेरा यार सावरा, ओ बिगड़ी तेरी बनाएगा, मेरा यार तेरे पास हो, मायूस ना हो उसको, तेरा ख्याल है, मायूस ना हो उसको, तेरा ख्याल है, मायूस ना हो उसको, तेरा कुछ पता है उसको, तेरा जो हाल है, सब कुछ पता है उसको, तेरा जो हाल है, आकर तुझे बचाएगा, आकर तुझे बचाएगा, बिगड़ी तेरी बनाएगा, मेरा यार सावरा, बिगड़ी तेरी बनाएगा, मेरा यार सावरा, मुझको यकीन आएगा, मेरा यार मुझको यकीन है आएगा, मेरा यार सावरा, बिगड़ी तेरी बनाएगा, मेरा यार सावरा, ओ बिगड़ी तेरी बना,
जय हो। रास राशेश्वरी श्री राधिका रानी की जय हो। आज परम मंगलमय आनंदमय भगवान गोविंद की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जी का विश्राम दिवस माने सप्तम दिवस है जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं। तो बड़े सुंदर भाव से गोविंद की उन मधुर मधुर कथाओं का आनंद लेंगे आप। कहते हैं जिसने छह दिन तक किसी कारणवश कथा में प्रवेश नहीं किया है और वह सातवें दिन सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करके बड़े ध्यान बड़े लगन बड़ी प्रीति बड़े सुंदर भाव से श्रवण कर लेता है तो उसे वह भगवान कहते हैं कि तेरे किसी विशेष कार्य से तू नहीं आ पाया है तो मैं तुझे पूरा श्रेय प्राप्त कराता हूँ क्योंकि तेरा भाव बन गया था बस भाव बन जाए। तो यह सप्तम जो दिवस है सातवा जो दिवस है विराम जो दिन है भगवान का आज का ये बड़ा अनुपम है मैया इसलिए इसको बड़े सुंदर भाव से ग्रहण करना है बड़े आनंद बड़े प्रेम से करना है। तो बड़े सुंदर भाव बड़े आनंद में भाव में चलेंगे आज गोविंद का बड़ा सुंदर सा बड़ा अनोखा सा और बड़े ही सुंदर भाव से उनके जीवन में बड़ा आनंद में समय आया है। माता रुक्मणी जी ने प्रवेश किया है तो मंगल में विवाह भगवान का कल संपन्न हुआ था और बड़े आनंद से हमने अपना उत्सव मनाया था गोविंद के विवाह में बहुत ही आनंद। तो अच्छा मिठाई खाओगे गोविंद के विवाह की बता अगर खाना चाहो तो थोड़ा और पांच मिनट का समय मिठाई खिलाएं तो मैं भगवान के जाके कल तो जल्दी जल्दी में भूल गए थे खिला नहीं पाए वैसे भी संघर्ष में ब्याह हुआ था कल तो भगवान का यहाँ भाग वहाँ भाग ये कर वो कर अगर खाना चाहो ब्रज की मिठाई तो खिलाएं बताओ खाओगे प्रेम से मुंह फाड़ फाड़ के रखे बहुत प्यारी बड़ी अच्छी ब्रज की मिठाई है बड़ा सुंदर हाँ तो मिठाई वही खिलाऊंगा आपको लेकिन बड़े प्रेम से बड़े प्यार से खाना अच्छा कन्हैया की जो ऐसा नहीं था कि माता जी को लेके आए थे वरण किया था तो उन्होंने शादी ऐसा नहीं वरण कर लिया और ले आए तो फिर विधिवत विवाह किया है द्वारका में लाकर तो बड़े बड़े सुंदर व्यंजन बहुत अच्छी ब्रज की मिठाइयां बड़ा अच्छा सबको की भैया लाला तेरो ब्याह भयो है हमें दावत मिलेगी कि ना मिलेगी कन्हैया कहने लगे चिंता मत करो दावत खूब जिक के खाओ। तो ब्याह वरण किया तो बड़ा संघर्ष में किया युद्ध करना पड़ा जरासंध शिशुपाल से लेकिन फिर भगवान ने खूब दावत सबको खिलाई तो नेक थोड़ो सो प्रसाद तुम भगवान की दावत को खाए बड़े प्रेम से। अच्छा किसी भी दावत में जाओ तो पूड़ियां तो बड़े महत्वपूर्ण होती है ना तो बड़ा सुंदर देसी घी की पूड़ियां बनी हुई हैं आहा बड़ा बाबा और देखिएगा उसके बाद है बड़ी सुंदर सुंदर कचौड़ियां और फिर लड्डू भी बने हैं खाओ प्रेम से और कितना सुंदर का है कि पूड़ी और कचौड़ी लड्डू छेना धरे समार है और घेबर फैना और इमरती दही भारी में डार है आओ रबड़ी खोआ दूध मलाई पेड़ा मधुर बनाए हैं बालू साई बर्फी मोमन के बनवाए हैं बड़े बूढ़ों के लिए दांत नहीं होते ना तो मोमन डाल डाल के बनवाया जा रहा है जो के होठ को दबाते ही फूट जाए क्योंकि कन्हैया ने विशेष ख्याल रखा है बड़े बुजुर्गों का क्योंकि वो बड़े बुजुर्गों का सत्कार करते हैं ना
तो करना भी चाहिए, उनका ख्याल खास करके रखा ख्याल हलवाइयों से कहा भैया मोमन डाल डाल के बड़ा सुंदर होठ से ही फूट जाए दांत तो होए ना बेचारे ना तो आराम से चटक जाए आराम से फूट जाए और सटक 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 आ लें वो बेचारे ऐसी मिठाइयां बना और कितनी सुंदर ब्रज की मिठाई कि राय को सोनो हलवा खाए में चमकदार सुनाए। अच्छा परीक्षा महाराज देखा है अगर वहां के निकल के कभी गए हो ना तो दुकानदार जो होते हैं ना मिठाई वाले बिल्कुल पीला पीला सा चमकता सफेद सफेद सा और रखा रहता है वो बड़ा ही पावन होता है बड़ा सुनहरा होता है बड़ा बड़ी मिठास होती है उसके अंदर तो वो ब्रज की मिठाई कि राय को सोनो हलवा खाए में चमकदार अलीगढ़ की साबोनी सफाई से बनाई अलीगढ़ की साबोनी सफाई से बनाई है। हाँ अलीगढ़ नहीं है इसे हरिगढ़ नाम था इसका भगवान का प्रिय था ये हरिगढ़ माने हरी को प्यारा लगने हरिगढ़ की साबोनी सफाई से बनाई है हे अलीगढ़ की साबोनी सफाई से बनाई है के माट के मगोड़े और गोकुल को दही लियो माट के मगोड़े और गोकुल को दही लियो देखो भैया द्वारका वासिन के काजे बड़े बड़ी सूचना बड़े बड़े सुंदर मिठाइयां भगवान ने मंगवाई की माट के मंगोड़े और गोकुल को दही लियो कसवा इंगलास वाली चमचम मिठाई है कसवा इंगलास वाली चमचम मिठाई है। अच्छा या को नाम तो तुमने सुन रखो होगा चमचम मिठाई को नाम सुन रखो और आपके भोज में भी ना हमारे इंगलास से ना जो जो भी चमचम बनाने वाले बड़े बड़े सेठ लोग हैं ना वो भिजवाते हैं वहाँ मिठाइयाँ कभी कभी अवसर पर। हाँ कसवा इंगलास वाली चमचम मिठाई है ओ कसवा इंगलास वाली चमचम मिठाई है कि नगर के जलेबा जो कि तौल में है ढाई से नगर के जलेबा जो कि तौल में है ढाई से खाया है कभी नगर का जलेबा सुना है। हाँ नगर के जलेबा जो कि तौल में है ढाई से नगर के जलेबा जो कि तौल में है ढाई से वृंदावन की बर्फी देखो थालों में जमाई है ओ वृंदावन की बर्फी देखो थालों में जमाई है वृंदावन की बर्फी देखो थालों में जमाई है। और बड़ी दूर से मंगाई है मिठाई उस दिन पापड़ की बात चल रही थी ना हापड़ के पापड़ खजला मेरठ से मंगवाए ले हापड़ के पापड़ खजला मेरठ से मंगवाए ले हापड़ के पापड़ खजला मेरठ से मंगवाए ले ओ हापड़ के पापड़ खजला मेरठ से मंगवाए ले दाल सेव सादाबाद वालों की मंगाई है ओ दाल सेव सादाबाद वालों की मंगाई है दाल सेव सादाबाद वालों की मंगाई है ओ दाल सेव सादाबाद वालों की मंगाई है मथुरा के पेड़ा जो कि खोआ से बनाए खास मथुरा के पेड़ा जो कि खोआ से बनाए खास दाऊ जी को माखन और मिश्री मंगाई ओ दाऊ जी को माखन और मिश्री मंगाई है आनंद से पाओ नगमु कोल खोल के दाऊ जी को माखन और मिश्री मंगाई है ओ दाऊ जी को माखन और मिश्री मंगाई है बेसमा की चाट दो ना मैयन की बड़ी अच्छी लगे देखे जब के मुंह में पानी आ गो जे लाइव बारे के ये भाई को है ना तो मो मटकारो महाराज बड़ो आनंद आ गयो मंगवा लिए का बेसमा की चाट दोना भर भर के मंगाए लई आगरे के पेठे में दयो के वड़ा मिलाई आगरे के पेठे में दयो के वड़ा मिलाई है आगरे के पेठे में दयो के वड़ा मिलाई है ओ आगरे के पेठे में दयो के वड़ा मिलाई है और खाओगे ते ब्रजवासी कह रहे हैं वह लोग अब ना चाहिए महाराज कन्हैया जी कहने के नए कोर ले लो और थोड़ा सा ना ना बस झिक गए महाराज अरे नए कोर ले लो भाई और ब्रजवासी ने बड़ा सुंदर भाव से नारियां कह रही हैं अरे आए उठो बैठे और ले ले
मिठाइयां। कन्हैया ने बड़े प्रेम से मंगा कर खिलाया, खाया सबने, जग गए, आनंद आ गो। तो प्रेम से कथा सुना सुनो आनंद। और देखिएगा भगवान की शादी तो है गई भैया, बहुत ही आनंद। सुखदेव जी स्वामी ने कहा राजा परीक्षित आनंद मिला भगवान गोविंद की शादी की मैं सम्मिलित हुए आप। अब सुनिएगा कुछ समय के बाद में मैया की एक लाला भयो माता रुक्मणी की, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा। इस बालक का नाम है प्रद्युम्न। देखिए इसके हाथों जिसका काल था वह सम्राट नाम का दैत्य, उसे किसी महात्मा ब्राह्मणों ने बता रखा था कि आपका वध भगवान कृष्ण का और रुक्मणी का जो पुत्र होगा वह करेगा। तो यह प्रसूति गृह से इस बालक को चुरा करके ले आए। और देखिए चुरा करके उसे मारना चाहता है, या मेरा काल है छोटा है मैं अभी इसे मार दूंगा तो यह बड़ा होकर के फिर मुझे नहीं मार पाएगा, क्योंकि अब ही मैं इसे मार डालूंगा तो फिर मैं अजय हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। तो सज्जनों लेकिन यह आकाश मार्ग से लेकर जा रहा है, तो मार्ग में से नारद जी मिल गए और नारद जी ने कहा है भैया तुम इस किस बालक को लेकर के जा रहे हो, यह बड़ा छोटा सा बालक है और अपनी मां से अलग कर रहे हो ना, इसका पाप लगेगा तुम्हें, यह रो रहा है बेचारा। तो सम्राट ने कहा महाराज यह मेरा काल है या मेरा शत्रु है और मैं इसे मार देना चाहता हूँ। नारद जी ने उसे समझाने का प्रयास किया, तुम इसे मारना चाहते हो, यह काल है तुम्हारा, यह ठीक है लेकिन इसे पता नहीं कि तुम इसके शत्रु। अच्छा बिना पता हो और शत्रुता करने लग जाओ तो आनंद नहीं है उसमें, सामने वाले को भी पता हो कि आप हमारे शत्रु हो तो कुछ बात है, अन्यथा तुम शत्रुता निभाते रहो उसे पता ही नहीं है बेचारे को, तो ऐसी शत्रुता से क्या फायदा, ऐसी नीचता से क्या फायदा। तो नारद जी ने कहा यह बाल शिशु है, इसका वध करना बहुत पाप होता है, इसलिए इसे मारने का मैं तुम्हें एक दूसरा उपाय बता देता हूँ और यह मर जाएगा तो मैं पाप भी नहीं लगेगा। सम्राट सुनने का यह बहुत अच्छी बात है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्होंने कहा एक काम करो, मैं क्या इसे अपने हाथों से मत मारो तो फिर कैसे मरेगा ये। उन्होंने कहा इसे समुद्र में ऊपर से अपने हाथों से जिंदा छोड़ दो, अपने हाथों से छोड़ोगे जिंदा नीचे समुद्र में जाएगा, जल में डूब के मर जाएगा या कोई जल का जंतु से खा जाएगा। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब काल को कोई मारना संभव है, किसी ने मारा है क्या काल को, छोड़ दिया और जैसे छोड़ा या जल में नीचे जा रहा, अब जैसे जल में जा रहा है ना उसी समय ठाकुर जी की अनुपम कृपा एक मक्ष बाहर निकला समुद्र में जल पर और श्वास मुंह खोल के श्वास ले रहा है वो, और जैसे ही उसने मुंह खोला और श्वास ली वो सीधा का सीधा बालक उसके मुख में चला गया। ये भगवान कृष्ण के पुत्र थे, माता लक्ष्मी के पुत्र थे, माता रुक्मणी के पुत्र थे और वैसे भी ये काम का अवतार थे, कामदेव का अवतार थे प्रद्युम्न। तो आप जानते हैं काम को भक्षण करना, ये जो मक्ष है ये उन पूरे सागर में समुद्र में सबसे बड़ा प्यारा और अनोखा हो गया, प्रकाश में हो गया। और ठाकुर जी की अनुपम कृपा उसी समय बहेली ने जैसे जाल डाला यही मक्ष उस जाल में फंस गया है, निकाल करके जब खींचा तो वह बड़ा प्यारा सा मक्ष उसमें था और उतना दिव्य आज से पहले कभी ऐसा मक्ष देखा ही नहीं। तो उसने विचार किया सम्राट महाराज है ना हमारे दैत्यराज, उनको बड़ा शौक है इनका तो उनके दरबार में इन्हें इसे भेज देंगे तो बहुत इनाम और पुरस्कार हमें मिलेगा। लेकर के गए वहां रख दिया दरबार में, महाराज ने प्रसन्न होकर के बहुत भेंट उपहार दी। देखिएगा उसका काल उसी के यहाँ जा रहा है और देखिए बड़े प्रेम के साथ में आ जब पाकशाला में इस मक्ष को भिजवाया गया और जैसे ही पेट को चीरना प्रारंभ किया तो अंदर से रोने की आवाज आई और उन्होंने बड़ी सावधानी से उसे उसके पेट को चीरा तो उसमें से एक बालक निकला। स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित आज पावन और दिव्य बालक को देख करके ये बेचारे बड़े आनंदमय हो गए।
ने कहा भैया ऐसा सुंदर सा प्यारा सा बालक है, किसे दें इसे, किसे सौंपे इसे। तो देखेगा वो जो कामदेव थे ना, आपने पता है भोले बाबा ने जिन्हें जला करके अपने नेत्र से नष्ट कर दिया था। तो कथा उस समय की है जब भोले बाबा ने कामदेव को जला करके नष्ट कर दिया, तो उनकी जो पत्नी थी रति, यह भगवान के पास में गई, यह बताओ हमारा क्या कसूर है, हमने क्या अपराध किया आपका, हमारे पति को आपने जलाकर नष्ट कर दिया, अब हम किसके सारे जीवन यापन कर रहे हैं। तो बाबा भोलेनाथ को दया आ गई थी, उन्होंने कहा देवी तुम्हारा पति को तुम भाषित होती रहोगी, प्राप्त होती रहोगी, लेकिन स्वशरीर या शरीर से जब तुम्हें प्राप्त होगा ना, द्वापर युग के अंत में जब मैं कृष्ण अवतार, भगवान का कृष्ण अवतार होगा, तो उनके पुत्र के रूप में यह प्रकट होकर के तुम्हें स्वशरीर प्राप्त होगा। और सज्जनों आज रति को तो पता ही था कि मेरे पति भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के आ गए हैं, और कहां पर आना है, उनको क्या करना है, यह सब पता है पहले से ही, इसलिए यहां पर बच्चों को शिक्षा देने का काम करती हैं, विद्या अध्ययन कराती हैं। अच्छा, जिसका भाव बच्चों में होता है वही किसी बच्चे को पाल सकता है। उन लोगों के मन में भाव आ गया जो विद्यावती के नाम से रति रहती है ना, बच्चों में बड़ा प्यारा स्नेह है उनका, और वह बच्चों को अपना समझ करके विद्या अध्ययन कराती है, नित्य कला आदि का बड़ा सुंदर भाव था उनका जो सिखाती थी वह। तो उन्होंने कहा इस बालक को उनको ही दे दो तो वह पाल लेंगे, और उस बालक को वह मायावती रति को दे दी। सुखदेव जी ने कहा रति ने उस बालक का पोषण करना प्रारंभ किया, और वह जान रही है कि यह कौन है। और देखिए कुछ ही समय में आज अपनी योग शक्तियों के द्वारा देवताओं की मदद से इस बालक को इन्होंने जवान बना दिया। जब यह काम का प्रतीक कामदेव प्रद्युम्न बना जवान हो गया, तो सौंदर्य वर्ण इसका जो शरीर स्वरूप था वह कृष्ण वर्ण माने भगवान कृष्ण के ही जैसा था, उनका पुत्र था, साक्षात ऐसा लगता था जैसे कि ठाकुर जी का कोई बिल्कुल साक्षात दूसरा रूप है यह प्रद्युम्न। तो एक दिन की बात अपने पति को अभाव से निहारने लगे, तो प्रद्युम्न ने बड़े बड़े भाव से प्रार्थना की हाथ जोड़ करके, हे देवी कौन है आप, और बड़ा सुंदर कहा है आज आपका जो भाव है ना, ये आपके देखने से तो कामनियों के जैसा लग रहा है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मेरा पोषण किया है, लालन किया है, तो लालन पोषण करने वाला वाली जो होती है वो माता, तो वहां माने माता के जैसे भाव की होती है, और आपका जो भाव है यह कामनियों की जैसे तरस रहा है, इसलिए आप हैं कौन बताओ मुझे। मात्र भाव मति क्रम्य वर्त से कामनीय था, यह कामनियों की जैसी स्थिति आपकी क्यों हो रही है बताओ मुझे। तो तभी रति ने कहा हाथ जोड़ करके, आप मेरे पुत्र नहीं हैं, तो फिर कौन हैं हम, अब बताया है आप मेरे पति हैं स्वामी। और उन्हें सारी बातें याद दिला दी, जब देवताओं का कार्य करने के लिए आप गए तो भगवान शिव ने आपको जलाकर नष्ट कर दिया, तो भगवान ने मुझे वरदान दिया तो आप कृष्ण के, भगवान गोविंद के पुत्र बनकर के प्रद्युम्न में पधारे हैं, आप साक्षात कामदेव हो। अब कामदेव को अपने बल का, पौरुष का, ऐश्वर्य का, विद्या, अपने बल का जब पता चला तो उसने कहा आपका जो अवतार हुआ ना प्रभु जी, यह सब पापी का वध करने के लिए हुआ है, पाप का विनाश करने के लिए ही आपका अवतार हुआ। तो सज्जनों आज वही अकेले ही प्रद्युम्न प्रेम के साथ में, और देखिए सम्रासुर के को जाकर के ललकारने लगे, और उनकी सेना के सहित आज उसका वध कर डाला जाकर, और उसकी शासन काल को बहुत अनुपम, बहुत अच्छी तरह से, बड़े प्यार से सजोयित किया है, बड़े अच्छे ढंग से उसे संभाला उन्होंने, बड़ी अच्छी प्रीति से संभाला, बिगड़ा हुआ शासन काल बहुत अच्छी तरह से संभाल करके धर्म की स्थापना करके उन्होंने, और जब जब बहुत समय लग गया इस कार्य को करते करते, अच्छा किसी बिगड़े हुए परिवार को, बिगड़े हुए जीवन को संभालना बड़ा मुश्किल है, और उसे संभालने का प्रयास करो तो ऐसा नहीं कि आज ही संभल जाए, समय लगता है, समय का इंतजार करते रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो, और समय पर छोड़ दो, धीरे धीरे आपको आज से ही सुधर जाए तो नहीं सुधर सकता।
तो इस प्रकार से हमें जीवन में करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा आज एक दिन रति अपने पतिदेव को लेकर के द्वारका में आई, चलो अपने वहां चलते हैं। तो जब प्रद्युम्न रति को लेकर के पधारे द्वारका में, तो देखिएगा द्वारका वासी ने इनका बहुत सत्कार किया। जो भी एक बार देखता ना वही, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण की जो पत्नियां थी वो भी नहीं जान पा रही है कि ये कौन है, मात्र सिवाय माता रुक्मणी की। अब माता रुक्मणी के सामने जैसे ही खड़ा किया गया कि देखो ये कौन आया है, तो हो न हो आज वही माता रुक्मणी प्रेम से कह रही है, यह मेरा खोया हुआ वही पुत्र प्रद्युम्न है, मेरा वही पुत्र है यह, क्योंकि यह माता का वात्सल्य होता है, माँ अपने पुत्र को नहीं भूल सकती। हमेशा याद रखना, हर पल माँ अपने पुत्र को निहारती है, प्रेम करती है, याद करती है, वो जीवन में उसे नहीं भूल सकती है, सत्यता है। और सज्जनों, सुखदेव जी ने कहा भैया प्रद्युम्न लौट के या मैं द्वारका में आयो ना, तब तक कन्हैया ने काका लीला की, पता है वह गोविंद के 16107 विवाह और है गए। तो परीक्षा जी ने बड़ा सुंदर कहा, देखिएगा। अच्छा आज के जमाने में कोई कहे भाई इतने ब्याह हो गए यार, बड़ा अनोखा सा लगा। ठाकुर जी ने ब्याह किए, परीक्षा जी ने प्रश्न किया मेरे इष्ट भगवान गोविंद ने इतनी शादियां किस प्रयोजन से की, आप मुझे वह बताएं। सुखदेव जी ने कहा शादियों के विषय में क्या सुनना राजन, शादियां तो हो गई भगवान की, लेकिन परीक्षक ने कहा नहीं आप मुझे बताओ मेरे गोविंद मेरे प्रभु की वो शादियां कैसे हुई, किस कारण से उन्होंने वो शादियां की, बताओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी ने कितना सुंदर कहा है, एक बार की बात थी द्वारका में एक सत्राजित नाम के उपासक हुआ करते थे, जो कि भगवान सूर्य की प्रार्थना करते करते उन्हें भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के स्यमंतक नाम की मणि दी थी। 10 घंटे तक लगातार उसकी सत्प्रेम से सेवा करने पर वह 8 बार स्वर्ण प्रतिदिन दिया करती थी। तो इतनी दिव्य पावन चमकीली और प्रकाशित जो मणि थी उनके पास स्यमंतक नाम से, एक दिन भगवान ने कहा भैया यह बहुत धन कभी कभी संग्रह संकट का कारण बन जाता है, आपके परिवार में बहुत ज्यादा लोग नहीं छोटा परिवार है, आप यह मणि को ना राजकोष में जमा कर दो, आपके उस धन से तीर्थ देवालय आदि कार्य जो भी होंगे ना वो पुण्य आपको ही अर्जित होगा। लेकिन सत्राजित ने कहा सुनो मैं अपने घर पर परामर्श करूंगा तो बता दूंगा आपको। और पत्नी से परामर्श किया तो कहने लगे क्यों जी हम क्यों देने लगे अपनी मणि, हमारी मणि हमें मिली हम क्यों दें। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं है, नहीं देना चाहते हो तो तुम जानो भाई, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान उसे बचाने का प्रयास कर रहे थे। तो अगले दिन की बात रही, उसका छोटा भाई था प्रसेन, उस मणि को गले में लटका करके ना थोड़ा चंचल स्वभाव का था, तो मणि को लटका करके घूम रहा, देखो भाई आपके पास में ऐसा नहीं होगा, देखो मेरे पास कितना सुंदर दिव्य भाव है। और देखिए वही इस प्रकार से कहता कहता जंगल की ओर निकल गया। तो उस प्रकाशमान दिव्य मणि को जब एक सिंह ने देखा तो वह उस पर मुग्ध होकर के उस प्रसेन को मार करके उस मणि को लेकर के आ गया। अच्छा सिंह के जो शेर था जो सिंह था वो उसके खाने की वस्तु नहीं थी मणि, लेकिन उसकी वो सौंदरता पर प्रसन्न हुआ मोहित हुआ और उसे ले आया। अब उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, उसकी सौंदरता पर वो इतना मुग्ध है, उसके प्रकाश पर इतना मुग्ध है, उसे अपने पास में रख करके उसे निहार रहा, इतना अनुपम दृश्य है ना। वहीं जंगल में रहने वाले तपस्या करने वाले जामवंत जी की पुत्री जामवंती जी ने यह दृश्य देखा और उस मणि को पाने की इच्छा की। तो महाराज जामवंत जी ने उस सिंह का वध किया और उस मणि को प्राप्त कर लिया, बेचारे दोनों ही बेकार चले गए, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसलिए तुलसी बाबा ने बड़ा अच्छा कहा था मोह सकल व्याधिन कर मूला और ताहि ते उपजय भव सूला,
ये अत्यधिक जो मोह जहाँ पर होता है ना वही दुख का कारण बन जाता है। बहुत ज्यादा बाबा तुलसीदास कह रहे हैं बहुत ज्यादा मोह मत करो संसार में किसी से, जितना ज्यादा मोह करोगे वह हमें दुख देने पर तत्पर हो जाता है, दुख अवश्य देता है। इसलिए अपना काम चलता है बस उतना ही नहीं गुजर कर लो, नहीं तो बस रात रात ज्यादा तो मारे गए बेचारे। जामवंती इस मड़ी से खेलती है, समय आया धीरे धीरे खबर होने लगी क्योंकि एक दिन जब प्रसन्न नहीं लौटाना तो वही अपनी पत्नी से सत्रह जितने कहा होगा भैया या राजा महाराजाओं की बात है, देवी किसी को कहना मत, लेकिन हो सकता है कि हमारे भाई का वध द्वारकाधीश ने करा दिया हो और उस मड़ी को ले लिया, क्योंकि ये राजा महाराजा लोग हैं, अगर तुम किसी से कहती हो तो अपने बचाव के लिए हमारा भी वध करा दें, इसलिए किसी से नहीं कहना। लेकिन कहां अब मैया के अंदर कोई बात रह जाए ऐसा तो निश्चित नहीं है, कितनी भी रहस्य रूप कितनी भी रहस्यमयी बात पति है या कोई भी उन्हें बता दे और उन्हें उनके पास दबी रह जाए संभव नहीं कि वो छिपा पाए। अब देखिए सबका जितने तो कह दिया बड़े आराम से, लेकिन उनकी जो पत्नी है ना उनके पेट में दर्द होता है, परेशान होती है, मंदिर जाती है, पूजा करती है, तो उनकी जो साथ वाली सखी या जो मित्र गण आदि होती है वो मिलती है, वो देखती है उदास रहती है, क्या कारण है आपकी उदास होने का? उसने कहा बहन कोई बात नहीं है। नहीं कोई तो बात होगी बताओ ना। उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है। उसने कहा नहीं कोई तो बात होगी। उसने कहा देख मैं जो बात आना उसे तुझे बता तो दूं, लेकिन बशर्त तू यह सौगंध ले या शपथ ले कि किसी को बताएगी नहीं। अब देखो वो पड़ोसन क्या कहती है। उसने कहा अच्छा ऐसा ही तूने समझ लिया है हमें कि हम इधर की उधर करते तो मत बता, तू जानती नहीं मैं कैसे स्वभाव की हूँ, मैं यहाँ की बात वहां तो करती नहीं हूँ, मेरा स्वभाव ही नहीं है किसी से कहना, और मैं तो अपना राधे राधे बस, मुझे कोई लेना देना नहीं, अगर तू बताना चाहती है तो बता, देख बहन बताना तो चाहती हूँ बताना मत किसी को। उसने कहा कहीं किसी से नहीं कहूंगी, तेरी कसम बोलती हूँ ना नहीं कहूंगी। उसने कहा हमारे पति देव ऐसे ऐसे कह रहे थे, हमारे जो देवर थे ना उनका वध हो गया, किसी ने मार दिया, पता नहीं ऐसा द्वारकाधीश ने शायद किया है, अब इसका तो दर्द बंद हो गया, अब उसका चालू हो गया जिसको बताया, अब बड़ी समस्या। अब धीरे धीरे ना और वही बात अब उसने किसी तीसरी वाली से कह दी, उसने अपना दर्द बंद किया तीसरी वाली का चालू, ऐसे धीरे धीरे करके इस कोने से पूरे कॉलोनी में होकर के घूम करके बात ठिकाने पर वहीं गई द्वारकाधीश के पास में। तो भगवान ने हंस करके कहा ब्राह्मणों से आप यह बताइएगा कि ये जो अपराध मुझे लग रहा है, मैंने तो ये पाप नहीं किया आप जानते हो, लेकिन फिर भी यह अपराध यह दोष मुझे लग रहा है, यह क्यों लग रहा है? तो ब्राह्मणों ने हंस करके कहा है ऐसा लगता है कि चौथ का चंद्रमा देख लिया हो तो इसलिए दोष लग रहा है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, हम इस दोष को मिटाने के लिए जा रहे हैं, तो आप स्वस्थ रहिए। तो अपने सेवकों को लेकर के भगवान चले जंगल की ओर, तो वही प्रसेन का वो मृतक शरीर उसके घर वालों को दिया। आगे सिंह जो मरा हुआ पड़ा है देखा वहाँ भालू माने एक रीछ जैसे पैरों के निशान, तो उस पर जामवंत जी के पैरों के निशान पर चले तो गुफा में पहुंचे जहाँ जामवंत रहते थे। जामवंती खेल रही थी उस मड़ी से, भगवान ने एकदम से जाकर के उसे पकड़ा और लेकर के चल दिया। बेचारी जामवंती रोने लगी, अद्भुत सा व्यक्ति आया और मड़ी को लेकर जा रहा था हमारे खेलने का खिलौना, और रोने लगी। जब रोना प्रारंभ किया तो जामवंत जी निकल गए, जब निकल के आए ना तो पूछा क्या बात है क्यों रो रही? उन्होंने कहा ये मेरी मड़ी को ले जा रहा है, भगवान से कह रहे हो सुनो कहां जा रहे हो उस मड़ी को लेकर? भगवान ने कहा हमारी मड़ी थी हमें मिल गई, खोज करते हुए आए थे अब जा रहे हैं लेकर। जामवंत ने कहा यह मड़ी तुम्हारी नहीं है मेरी है। भगवान ने कहा नहीं मड़ी तो हमारी है और हम इसे लेकर जाएंगे,
तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम कृष्ण हैं भैया, हाँ लेकिन मरी जब तक लेकर नहीं जाएंगे तब तक हम तुम्हें मरी दे भी नहीं सकते। उन्होंने कहा तो इस मरी को ले जाना इतना संभव नहीं है, उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा मुझसे। ठाकुर जी ने कहा वैसे तो युद्ध करने का कोई मन नहीं है, लेकिन जामवंत अगर तुम युद्ध करना ही चाहते हो तो ठीक है कर लो, लेकिन मरी को तो लेकर जाएंगे। अब युद्ध हो गया दोनों योद्धाओं में। देखिए परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण से आज जामवंत युद्ध कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े बलशाली होंगे जामवंत जिसका कोई कहना नहीं। और देखिएगा भगवान ने मुष्टि प्रहार करते 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 28 दिन तक ये युद्ध चला है, धराशायी कर एक एक नस दुखने लगे। और जब अपने आप का बल छीण होने लगा तो जामवंत जी के मन में यह ख्याल आ गया कि यह कोई साधारण मानव नहीं है, अच्छा है कौन? और अच्छा मुझे ये परास्त करने वाला कोई दिव्य साधारण कोई देवता भी नहीं हो सकता, ये कौन है पूछूं तो सही। और हाथ जोड़ के पूछा कौन है आप सही सही बताओ। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से हंसकर कहा भैया बताया है हमने कि हम कृष्ण हैं। अच्छा प्यार से तो हमें कहते हैं यशोदा का मैया लाला गोपाल, लेकिन वसुदेव देवकी के पुत्र हैं हम और हमारा नाम है कृष्ण। आजकल हम द्वारकाधीश बने हुए हैं। तो आज जामवंत ने चरणों में गिर करके प्रणाम किया। मैंने आपको जानने में भूल कर दी, पहचानने में मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा आप पहचान लिया ना? भगवान ने हंस करके कहा जामवंत अगर कोई कसर बाकी हो तो बता देना मैं यही हूँ। अगर पहचान अभी भी नहीं हो रही हो और अगर कोई कसर तुम्हारी भुजाओं में रह गई हो तो भी बता देना, मैं मणि को तभी लेकर जाऊंगा। जामवंत ने कहा नहीं प्रभु अब कोई कसर नहीं है, जो तुमने वादा किया उसे पूरा कर दिया है, अब आप यह मणि ले जाओ। और मणि के साथ में ना मेरी यह पुत्री है ना जामवंती, इसका भी वरण आप कर लो। इस प्रकार से भगवान जामवंती को आप वरण करके द्वारका में लाए और वह मणि ला करके सत्राजित को दे दिया। जामवंत को भगवान ने से युद्ध, क्योंकि जामवंत तो भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे भाई, और यह भगवान से युद्ध क्यों करना पड़ा इनको पता है? एक बार की बात थी जब भगवान राम राजा बने थे, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या के सम्राट अयोध्या के राजा बने हुए हैं, तो वह अयोध्या से अपने राज्य से भेंट दे रहे हैं अपने मित्रों को जिन्होंने उनकी मदद की थी। तो जामवंत जी का नंबर आया ना भेंट देने के लिए, तो उन्होंने कहा प्रभु यह नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आप मुझे देना चाहते हैं ना तो मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है। किस बात की? भगवान ने पूछा किस बात की खुजली? उन्होंने कहा राम और रावण का जो युद्ध हुआ है ना, इतना भयानक युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में भी मेरी भुजाओं की खुजली नहीं मिटी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके जैसा कोई योद्धा आकर के मुझसे युद्ध करे। भगवान ने कहा हंसकर के जामवंत ये क्या अटपटी बातें कर रहे हो, हमारे जैसा योद्धा तो हम ही है ना, और हम तुमसे अभी युद्ध करने लगे तो जमाने के लोग क्या कहेंगे, अपना काम बनाया उसके बाद अपने सेवकों से युद्ध करना प्रारंभ किया। जामवंत ने कहा नहीं प्रभु मेरी इच्छा को पूरी कर दो आप। भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन इस युग में नहीं, आने वाले द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो तुम्हारे इस मनोरथ को पूरा करूंगा, तब तक इंतजार करना होगा जामवंत। आज वही जामवंत ने भगवान का इंतजार किया और गोविंद ने आज जामवंत की नस नस को तोड़ दिया है, बिल्कुल सही फिट कर दिया आराम आराम। अब बताओ पूछ रहे हैं कोई कोई कसर रह गई है तो उसे भी पूरा करो। भगवान ने प्रार्थना की, जामवंत ने कहा नहीं नहीं, वरण किया भगवान मणि को सत्राजित को दिया है ना, तो उसे ऐसा लगा कि हमने प्रभु के प्रति गलत बात का प्रयोग किया था, इसलिए उसे रिश्तेदारी में यह बदलना चाहते हैं। उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, यह भगवान कृष्ण की ही पूजा किया करती थी। और देखिए यह माता पृथ्वी का अवतार थी सत्यभामा, माता भू देवी माने पृथ्वी। तो सत्राजित ने उस मणि को दहेज में भगवान को दे दिया और सत्यभामा का विवाह कर दिया उनके साथ। इस प्रकार गोविंद का विवाह सत्यभामा से हुआ। और एक बार सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित तुम्हारे जो प्रभु है ना, जब पांडवों के यज्ञ में पधारे हुए थे ना, तो उस बार एक कालंद्री नाम की कन्या यमुना के तट पर तपस्या कर रही थी
और देखिएगा वही अर्जुन और वो भ्रमण कर रहे थे। तो अर्जुन ने पूछा जाकर के कड़ी दोपहरी में आप देवी किसके लिए प्रार्थना कर रही हो, तप कर रही हो, आप बताओ हमें। तो उसने प्रेम से कहा था, प्रभु मैं भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हूँ। अर्जुन ने देखा भगवान तो यही है, पर इसका उसे कष्ट और ज्यादा क्यों दिया जाए। उन्हें बुला करके भगवान को उनका वरण करा दिया। ये कालंद्री सूर्य की पुत्री है महाराज, इनका नाम है दूसरा यमुना। यमुना का दूसरा नाम भी कालंद्री है। यह भगवान कृष्ण की पटरानियों में से आती है यमुना महारानी, ध्यान रखना। और देखिए आगे इस प्रकार भगवान का यह मेला हुआ। आगे लक्ष्मणा को भगवान ने स्वीकार किया है और उसके बाद में सत्या से विवाह किया, भद्रा से विवाह किया। ये आठ पटरानियां भगवान की हुई हैं। लेकिन उसके बाद में एक बार की बात थी, सुखदेव जी ने कहा उपासना कांड की 16,100 ऋचाओं ने भगवान को पाने की इच्छा प्रकट की थी। और वह कब की थी? उन्होंने कहा जब माता सीता का हरण करके ले गया था रावण और मेरे प्रभु श्री राम ऐसे बिल्कुल साधारण से मानव बन रोते हुए और पूछते हुए जा रहे थे लता पता को, हे मृग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम दिखी सीता मृग नैनी। क्या तुमने देखा है उनको? मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। बिलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो वही ऋचाओं ने आकर भगवान को घेर लिया। हे प्राणनाथ, आपकी पत्नी का वियोग सता रहा है, यह हम देख रहे हैं। और हे प्रभु, अगर वाकई में आपको पत्नी का ही वियोग है तो हम आपके साथ में विवाह करने के लिए तैयार हैं। हम सब तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। राम जी ने कहा, देवियों आपका तो यथार्थ भाव है, लेकिन मैं तुम्हारे इस मनोरथ को इस समय पूरा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक व्रत है। भगवान ने जो माता सीता को व्रत दिया, संकल्प दिया था, जीवन में केवल केवल एक नारी धर्म का पालन करने वाले थे राम। उन्होंने कहा मैं इस व्रत को पूर्ण ही करूंगा, मेरा नाम ही ऐसा भाव है, मैंने यह वचन देवी सीता को दिया है। देवियों, लेकिन आपका ही भाव है, आपकी इच्छा है, तो मैं आपके इस मनोरथ को द्वापर युग के अंत में अवतार लूंगा ना, तो पूरा करूंगा। तो देखिए, एक माता पृथ्वी का भूमि का पुत्र हुआ करता था उस जमाने में, जिसका नाम था भौमासुर। इसके यहाँ यमराज से भी खतरनाक नर्क जैसी सभा थी, दंडित करने वाली। यमराज तो क्या दंडित करेगा किसी को, लेकिन यमराज से भी कठिन दंड देने वाला सिस्टम इसके यहाँ पर था, इसलिए इसे नरकासुर के नाम से कहा जाता। वैसे तो नाम भौमासुर था, तो नरकासुर कहते हैं इसे। इसने अपना कोई संकल्प करने के लिए उन सारी 16,100 ऋचाओं को बंदी बना करके डाल दिया। इन्होंने भगवान को पाने के लिए द्वापर युग में एक सुंदर राजकुमारियों के रूप में अवतरित लिया, अवतार लिया था, और उन राजकुमारियों को इन्होंने बंदी बना लिया। लेकिन सज्जनों, एक बार की बात थी, सुखदेव जी ने कहा भगवान कृष्ण सत्यभामा से विचार कर रहे थे उस नरकासुर के विषय में। तो जब विचार कर रहे थे नरकासुर के विषय में, तो भगवान ने कहा था सत्यभामा से, देवी एक बहुत बड़ा नरकासुर है, यमराज के समान है, बहुत पाप कर रहा है पृथ्वी पर। तो माता सत्यभामा ने कहा आप चल करके उसका वध कर दो, आप तो सुदर्शनधारी हो ना। लेकिन भगवान ने कहा आप मेरे साथ युद्ध में चलो तो मैं उसे मार सकता हूँ। माता सत्यभामा ने कहा भगवान का श्रेय ज्यादा हमें मिल रहा है, क्योंकि ये तो युद्ध में भी हमें ले जाने के लिए कह रहे हैं। तो लेकिन ठाकुर जी का कुछ और था भाव, क्योंकि यह सत्यभामा भूमि देवी का अवतार थी और पृथ्वी का अवतार था वह नरकासुर, पुत्र था माने उनका। भौमासुर भूमि का पुत्र था, इसलिए वह भौमासुर के नाम से जाना जाता था। तो भगवान के हाथों उसका वध था, तो पृथ्वी माता ने, देखिएगा पापी भी पुत्र होता है ना तो माता के लिए प्यारा होता है, आपको प्रत्यक्ष देखने मिल रहा है। पृथ्वी जैसी माँ जिस पर अगर कोई अत्याचार करता है ना, तो वह अत्याचार के प्रभाव से अप्रसन्न होकर के, दुखी होकर के भगवान की शरण में जाती है कि रक्षा करो मेरी। लेकिन अपना पुत्र पाप कर रहा है तो बड़े आराम से सहन कर रही है। तो उसने कहा जाकर के मेरे पुत्र को आप नहीं मारेंगे भगवान। भगवान जी ने कहा मेरे हाथ तो मरना है तो फिर मारना पड़ेगा, नहीं आप मुझे वचन नहीं मारोगे। भगवान ने वचन दे दिया, ठीक है
हम आपके पुत्र को नहीं मारेंगे जब तक स्वयं आप ही आकर हमें नहीं कहोगे। तो भूमि माता ने कहा मैं क्यों कहने लगी, ठीक है अगर नहीं कहोगी तो नहीं मारेंगे, अगर कहोगी तो मारेंगे। तो माता पृथ्वी ने एक बात और कही, माँ कभी कभी गुस्से में पुत्र को बुरा भला कह देती है, कभी कभी ज्यादा शैतानी करे, ज्यादा दुखी करता है ना तो माँ कभी कभी गुस्से में कह देती है, लेकिन उसका भाव वह नहीं होता, फिर पछताती है, रोती भी है। तो ऐसे अगर मैं कहूँ ना तो नहीं कहना है। भगवान ने कहा तुम लगातार बार बार कहती रहोगी तब मारूंगा, एक दो बार कहने से नहीं मारूंगा, ठीक है ना। हाँ अब ठीक है। तो यही सत्य भामा थी भूमि, तो इनको साफ भगवान इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि भौमासुर का वध करना था और साथ में बैठे हुए थे। भौमासुर पर आक्रमण जब भगवान ने किया तो विशाल युद्ध प्रारंभ हो गया। ठाकुर जी ने उसके सभी पुत्रों का वध किया, उसके सेनापति मूर्ख का वध कर दिया, उसके सारे नरक को तहस नहस कर डाला। लेकिन अब बारी आ गई भौमासुर से युद्ध करने की, तो बलशाली योद्धा है, परास्त नहीं हो पा रहा और ठाकुर जी भी जान बूझ करके कुछ करना नहीं चाहते। यह बाणासुर जो नरकासुर है ना, जैसे ही प्रहार करता है प्रभु सहन कर लेते, दो चार बार भौमासुर के बाणों का भगवान ने सहन किया। और जब बार बार आकर के वह शक्तियां वो बाण भगवान के लगते हैं ना, तो मैया सत्यभामा देख रही हैं, बताओ ये क्या करना है, ऐसा खेल खेल रही है, बार बार यह शत्रु प्रहार कर रहा है और यह सहन करते जा रहे हैं, ऐसा अद्भुत सा भाव लगा तो एकदम से रुष्ट हो गई सत्यभामा। और अपने पति के लिए अगर ऐसा भाव होता है तो वह रुष्ट हो ही जाती है, एकदम से कहने लगी आप खेल करा रहे हो उसके साथ, आप नाटक कर रहे हो उसके साथ, इसका वध कर डालो, आप सुदर्शन का आह्वान करो, बुलाओ उसे और वह इसका वध करेगा। भगवान देख रहे हैं बात तो बन रही है, और थोड़ा सा भगवान ने और नाटक किया, हल्का सा और प्रहार सहन किया, नरकासुर ने फिर से जैसे ही बाण मारा, फिर भगवान ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। अब तो माता सत्यभामा को क्रुद्ध होना पड़ा। मैं कहती हूँ ना, आप नहीं सुन रहे हैं, आप अपना सुदर्शन बुलाओ, आप इस पापी का वध करो भगवान, आप इसे मार डालो, आप इसे मार डालो। और इस प्रकार से रट लगा दी माता सत्यभामा ने, और जैसे ही दो चार पांच बार से आगे गिनती चली गई मारने 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 की, तुरंत भगवान ने सुदर्शन का आह्वान किया और भौमासुर का वध कर डाला। गोविंदा, भगवान ने अपने वचन को पूर्ण किया। जनो इसी के यहाँ पर ये 16,100 राज कन्याएं हैं जो ऋचाएं थी, अब सबको बंदी गृह से मुक्त किया तो इनको भी किया। अब ये भगवान के पास खड़ी थी तो ठाकुर जी ने कहा तुम्हें स्वतंत्र हो जाओ कहीं, तो इन्होंने कहा प्रभु हमारे लिए कुछ बताओ सही कहाँ जाएं। भगवान ने कहा जहाँ अच्छा लगता है, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारा अपना, जो तुम्हें अपना ले। तो इन्होंने रोक करके कहा हमारे पास में तो इस समय दो मार्ग हैं प्रभु, एक मार्ग तो यह है कि हम किसी गलत राह पर चली जाएं, अपना जीवन यापन करें, और दूसरा मार्ग यह है कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, शरीर को छोड़ दें, नष्ट कर दें। ठाकुर जी ने कहा यह दोनों ही कार्य किसी भी परिस्थिति में नहीं करने चाहिए, परमात्मा का दिया हुआ इतना सुंदर जो जीवन है ना, इसी वृथा नष्ट मत करो, इससे कुछ कराओ, इससे कुछ करो भगवान के लिए। अच्छा घर वालों से नाराजगी है, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, सबसे तुम्हें परेशानी है, कोई तुम्हें कोई भाव नहीं दे पाता, तुम किसी को अच्छे नहीं लगते, तो छोड़ दो ना, ठाकुर जी तो अच्छे लगते हैं, भगवान को तो तुम प्यारे लग रहे हो ना, अपना लो ना, व्यर्थ क्यों नष्ट करो इस जीवन को। ठाकुर जी ने कहा यह जीवन बड़ा मुश्किल मिलता है, बड़ी मुश्किल से पाता है यह संसार में इस मानव जीवन को जी, और यूं ही प्रथा छोटी सी गलती, छोटे से भाव, छोटी सी कलह, छोटी सी नाराजगी में से नष्ट कर देना, यह बुद्धिमता नहीं होती है, क्योंकि यह पावन जीवन जो मिला है श्रेष्ठ, यह मुश्किल मिलता है, इसमें कुछ करके जाओ। तो भगवान ने जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा प्रभु हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाणासुर ने हमें बंदी गृह में डाल रखा था ना, अपहरण करके लाया था,
उन्हें अपने समाज का डर होगा कि हमारी पुत्री हमारी बेटी कहां पर कितने दिन तक कैसे कैसे रही आ गई, वह समाज वाले उन्हें न जाने क्या क्या सुनाएंगे, तो उस डर से वह हमें स्वीकार कहां करेंगे। अच्छा किसी को जाकर कि हम कहें कि भाई हमारा वरण कर लो हमें स्वीकार कर लो, तो ये जमाने वाले लोग बड़े बुरे हैं। ये स्वयं में कितने भी गंदे हों, कितने भी बेकार हों, कितने भी पाप से लदे हुए हों, लेकिन हमें स्वीकार नहीं कर सकते। और ये सत्य है, किसी की पुत्री को कोई छोटा सा दोष लगा हुआ हो, वो अपने जीवन में चाहे कितने भी पवित्र हो और किसी सामने वाले को जाकर के हकीकत कहकर के कह दो, तो वह उसे स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा नहीं नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा पवित्र है, उसके जीवन में कितना भी बड़ा दोष है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करता। ठाकुर जी से भगवान से कह रही है, यह दोष या दुनिया वाले या घर वाले या कोई हमें अपनाएगा नहीं भगवान, क्योंकि हम हमारे अंदर दोष बन गया है। ये नरकर सुनने हमें बंदी गृह में डाल के रखा, हम पवित्र हैं। ठाकुर जी ने कहा दुनिया वाले जिन्हें ठुकरा देते हैं ना, उन्हें गोविंद याद आता है, उन्हें गोविंद अपना बनाता है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित उस प्रकार से इस कारण से भगवान ने उन सबके साथ में विधिवत विवाह किया और अपनी रानी बना करके अपनी पत्नी बना करके वह संसार वाले जो अधिकार उन्हें नहीं दे रहे थे वो अधिकार भगवान ने उन्हें दिया है। इस प्रकार से गोविंद के 16108 रानियां हुई। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। देखो आज ही का दिन है, कल यहाँ बैठे होंगे आप, कल बैठे रहोगे, प्रसाद आ गए, लेकिन कथा के लिए तो नहीं आ पाऊंगा, तो आज तो कम से कम जोर से जयकारा बोले ही दो, आज ही आ जाए उसके बाद तो फिर, इसलिए जोर से बोलना और प्यार से बड़े आनंद के साथ में बोलो जयकारा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। ठाकुर जी के साथ में इसने जोड़ते रहो तो बड़ा अच्छा सा लगता, बड़ा सुंदर भाव लगता है, इसलिए प्रेम से और बड़े आनंद के साथ में उनके बन करके और उनकी सावली सूरत पर आनंदित होकर के बड़े प्रेम से बोलना है आपको, बड़े सुंदर भाव से बोलना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, प्यारे तुम्हें एक नजर देखना है, आपको देखते रहे बस, ऐसा कोई प्रबंध कर दो प्रभु, ऐसा आनंद जीवन में बनो। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, प्यारे तुम्हें एक नजर, प्यारे तुम्हें एक नजर देखना है। ओ जिधर तुम खड़े इधर तुम खड़े हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, ओ जिधर तुम खड़े हो जिधर तुम एक नजर देखना है।
था जिस हाथ ने गीत गज को उबारा था जिस हाथ में गीत गज को जिस हाथों ने गज को और गीत को उबार दिया था। इसलिए भगवान हम भी आपके अपने हैं, हमें हमारा क्या करना है। इसलिए कहा भक्त ने भगवान उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को अब बारी आ गई है हमारी तो क्या करना है। उन्हीं हाथों का अब उन्हीं हाथों का अब असर देखना है। उन्हीं हाथ का
जय हो। ऐसा लग रहा है कुछ फीका फीका सा आनंद सा नहीं आ रहा जयकारे का बात है। उदास सा मन लग रहा है क्या? उदास वाले मन के लिए जयकारा बता दिया मैंने। वाकू बोलूं फिर प्रेम से आनंद से गोविंद की कथा ठाकुर जी से प्रार्थना करते हो जीवन में आप आते रहो हमारे बस यही सबसे बड़ा भागवत का सार ही ईश्वर की प्राप्ति हरि गुण गाना है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम का स्मरण हो जाना, गोविंद के नाम का स्मरण प्राप्त कर लेना, यह हमारे मन में बस जाना ही भागवत का एक मुख्य सार है। तो बड़े प्रेम बड़े आनंद के साथ सुनते आगे बड़ा सुंदर भाव है। इस कारण से भगवान की यह विवाह हुआ। आज के जमाने के लोग कहते हैं तुम्हारे ठाकुर जी ने भगवान कन्हैया ने बड़ो रास रचाया और सुनो उन्होंने इतने 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 ब्याह कर लिए भैया। तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है? हम दो चार शादियां करने ब्याह करने तो क्या परेशानी है? ने कहा कोई बात थोड़ी है, करो, मना कौन कर रहा है? तुम दुनिया के सम्राट हो तो तुम्हारी बहुत पत्नियां हो सकती है, क्या बात? मने थोड़ी कर रहा है तू, कर लो। लेकिन एक ही बात, भगवान ने लाल रचाया वो क्या था मैंने कल तुम्हें समझाया था। अच्छा भगवान ने शादियां की तो वो क्यों की ये भी तुम्हें समझा चुका। शादियां क्यों की? अगर तुम्हें इस प्रकार किसी को अपनाना और साथ देने का वादा कर सकते हो निभाओ साथ, लेकिन हम कहां निभा सकते हैं? हम तो उसके चरित्रों पर दोष लगाने वाले हैं, उन दोषों को मिटाने वाले कहां हैं? और बस ये संसार का जीव है ना, परमात्मा से बहस उनके साथ में अपने आप को जोड़ने लगता है भाई। तो उन्होंने इतनी शादियां की हम भी कर ले, उन्होंने ऐसा किया हम भी कर ले, लेकिन केवल यह बात याद रखता है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं याद रखता, वो भूल जाता है कि 6 दिन में ही ठाकुर जी ने पूतना जैसी राक्षसी को मार डाला। धर्म की रक्षा की, शक्तासुर को मारा, तनावृत को मारा, अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, व्योमासुर को मारा, कैसे कैसे सुरों को महापापियों को मारा, कंस जैसे अत्याचारी को मारा, जरासंध जैसे पापी का वध किया, हर पल धर्म की रक्षा की। द्रौपदी की उस सभा में लाज रचाई थी जहां कोई भी उसे कोई भी इतने बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे, सबकी गर्दनें नीचे थी, बचा सकते हम? आप कुछ करके देखो, हम खड़े खड़े तमाशा तो देख सकते हैं, बस यही बाकी कुछ ही और बाकी साहस नहीं है। लेकिन ठाकुर जी से बहस करना ठीक नहीं। गोविंद उस परिस्थिति में जीव को अपनाने का प्रयास करते हैं जब दुनिया वाले साथ छोड़ देते हैं, और ध्यान रखना है जब दुनिया वाले साथ छोड़ देते हैं हम उसे अपनाना नहीं चाहते। संसार की प्रीति और गोविंद की यह प्रीति है, दुनिया वाले उसे छोड़ देते हैं उसे अपना। और वैसे भी हमारी बुद्धि का जो विवेक है ना महाराज, जहां जाकर के खत्म हो जाता है ना, मेरे गोविंद के ज्ञान का प्रकाश वहां से आगे बढ़ता है।
अब देखिए हम आप यह सोचते हैं मेरे हमारे प्रभु इतने सुंदर होंगे और इतनी सुंदर सी छवि का निर्माण मानव ने किया है ठाकुर जी का, उस छवि पर मोहित होकर के मुग्ध होकर के हम उनमें मन लगा लेते हैं क्योंकि यह मानव ने छवि का निर्माण किया है। लेकिन वास्तविक में जितना सौंदर्यमय भाव जिसके अंदर से आ रहा है, जितना सौंदर्य तुम प्राप्त कर रहे हो ना, मानव के जीवन की स्मृति जहाँ खत्म हो जाती है, बनाने की सुंदरता जहाँ विफल हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहाँ तक इतने सुंदर होंगे बस यहाँ तक का निर्माण हम कर चुके, इससे आगे नहीं जानते। उससे आगे मेरे प्रभु की सौंदर्यता बढ़ती है, उससे आगे मेरे गोविंद का ध्यान बढ़ता है। ऐसे एक बार भोले बाबा की प्रार्थना की इन्होंने, प्रभु जी भगवान आए, उन्होंने कहा क्या चाहिए, उन्होंने कहा सब ठीक ठाक है, कोई कमी नहीं है, तो फिर हमें क्यों बुलाया। भगवान ने कहा तो हमें आप 10 पुत्र दे दो, बलवान 10 पुत्र। अब भोले बेचारे, भोले बाबा तो भोले बाबा ही हंसगे छगे, उन्होंने कहा ये 10 पुत्र कैसे इनको दें भाई, इनकी पत्नियां तो 16,108 और इन्होंने तो 10 ही पुत्र मांगे। लेकिन विचार करते 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 सोचा 8 पटरानियां हैं, उनको एक एक पुत्र दे दो, उन्होंने कहा ये तो 8 ही होती है, एक एक पुत्र सवरानियों को देते हैं तो 16,108 होते हैं। निकाल कोई हिसाब किताब बन नहीं रहा। लेकिन याद आया ये जो पुत्र मांगे हैं ना, ये किसने मांगे, पत्नियों ने नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने मांगे, हमारे 10 पुत्र हों बलवान। अब अपने ऐसा भाव दर्शाया तो उन्होंने कहा पर जितनी पत्नियां हैं उन सब से तुम्हारे 10-10 पुत्र ही होंगे, ऐसा वरदान भगवान ने दिया। ठाकुर जी ने कहा प्रभु यह तो बड़े समस्या में अटका दिया। भोले बाबा कहने लगे अब जो भी हो भैया, ये तो हमने कह दिया तो कह दिया, अब तो बड़े मुनि बड़े रजिस्टर लेकर के घूमते हैं, हाजिरी लगाते लगाते, इतने बड़ा कबीला, इतनी बड़ी जनसंख्या में भगवान की संस्थान है, तो कोई समुद्र में है ना ये द्वारका, टपक ना जाए बेचारा, क्या जल ही जल, बड़ी पहरेदारी बड़ी समस्या, इस प्रकार से बड़ा। अच्छा द्वारका का नाम ही मंगल है, जहाँ आए दिन मंगल ही मंगल होता रहता है, मंगल ही मंगल आनंद ही आनंद बरस रहा है, वही द्वारका है, बड़ा पाप। आगे सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा भैया, एक बार की बात थी, एक भगवान शंकर का धर्म पुत्र था जिसका नाम था बाणासुर। मेरे प्रभु ने भगवान शंकर ने से बहुत बल दिया था, 1,000 भुजाओं वाला था, इसके 1,000 भुजाएं थी, बहुत बलवान था। और एक दिन यह भगवान भोलेनाथ के पास में जाकर के कहने लगा है प्रभु मैं दुनिया के सामने जिससे भी युद्ध करने के लिए जाता हूँ ना, वही मुझसे युद्ध करने से मना कर देता है, क्यों, वही कहता है प्रभु आपको जो भी कुछ चाहिए ले लो, लेकिन हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। अब बेचारा जो शरणागति आ गया हो उसे मारना तो ठीक नहीं है ना, अब क्या युद्ध करूं मैं उससे, लेकिन ये मेरी भुजाएं युद्ध करने के लिए भड़कती हैं प्रभु, इनमें खुजली हो रही है, ये भड़कती है भुजा, इसलिए इस दुनिया में कोई भी योद्धा मेरे बराबर का मुझसे युद्ध करने के लायक नहीं है, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं मैं कि आप ही मुझसे युद्ध कर लें। तो देखिए भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है आज, हमने तो तुम्हें बाणासुर हमेशा ही वरदान दिया है, और जब हम वरदान तुम्हें हमेशा से दे रहे हैं ना, तो फिर वरदान ही तुम्हें देंगे, इसलिए आपकी भुजाओं में खुजली हो रही है ना, तुम्हारी यह सहस्त्र भुजाओं की खुजली को मिटाने वाला जो योद्धा है ना, वो शीघ्र तुम्हें आकर के मिल लेगा, तुम्हें खोजने की आवश्यकता नहीं, वो तुम्हें खोज लेगा। और देखिएगा उसी दिनों की बात चल रही थी, बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था ऊषा, इसने एक स्वप्न में एक राजकुमार को देखा भैया, और देखिए प्रातः काल हुआ, स्वप्न देखा, राजकुमार देखा, अपनी सहेली चित्रलेखा को बताया, उसने चित्र बनाना प्रारंभ किया, और उस चित्र को जब बना दिया गया तो वह जो चित्र था वह किस राजकुमार का था पता है, वह था भगवान कृष्ण के पौत्र अनुरुद्ध का।
ये भगवान श्री कृष्ण है ना, उनके जो पहले पुत्र हैं प्रद्युम्न, उनके पुत्र थे अनिरुद्ध, उनका चित्र बना था। तो ये मायावी लोग थे, अनिरुद्ध के पास सूचना भिजवा दी, प्रेम बस भाव में बसा करके उन्हें अपने यहाँ ले आया गया। तो वह अनिरुद्ध वहां आकर के रहने लगे। जब लेकिन यह बाणासुर को पता चला तो बाणासुर ने उसे बंदी बना लिया और बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। तब नारद जी ने जाकर के भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, लेकिन वह लीला का एक नाटक करते हैं, लीला में आनंदित होते हैं। लेकिन नारद जी ने कहा बैठे हुए भगवान से, प्रभु कुछ बता दिया क्या? अरे इतना बड़ा तबेला, इतना बड़ा परिवार बनाने की आपको क्या जरूरत थी, जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं रहता। तो भगवान ने कहा नारद जी क्यों पहेलियां बता रहे हो, बताओ क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो? नारद जी ने कहा आपका एक पौत्र है ना वो अनिरुद्ध। हाँ कहाँ है? भगवान ने कहा यही होगा। मुस्कुराते हुए गोविंद ने जब कहा तो नारद जी ने कहा नहीं, इस समय ना वह बाणासुर के कारागृह में बंद है। ठाकुर जी ने कहा तो कोई बात नहीं, छुड़ा लाए, बंद है तो रहने दो, लेकर के आएंगे। और देखिएगा आज भगवान ने सोलितपुर पर आक्रमण कर दिया। और जब सोलितपुर पर आक्रमण किया तो यह बाणासुर खड़ा है। और देखिए बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर भी सुरक्षा के लिए हैं इस युद्ध में। अब वैष्णवों का और शिव भक्तों का युद्ध हो रहा है। सामने कृष्ण है और सामने युद्ध में भगवान शिव हैं। अब घमासान युद्ध हुआ, एक दूसरे को कोई परास्त नहीं कर पा रहा है, बड़ी समस्या, कोई भी परास्त नहीं कर पा रहा है एक दूसरे को। तभी देखिएगा भगवान श्री कृष्ण ने भगवान भोलेनाथ से कहा है, मैं तो तुम्हारी तुम्हारे वरदान को पूरा करने के लिए आया हूँ प्रभु केवल, और आपके होते हुए यह वरदान आपका पूर्ण नहीं होगा, इसलिए आप कुछ करो, क्या करना चाहते हो? भोले बाबा ने मन ही मन कहा है, हल्का सा प्रहार करते रहो, मैं थोड़ा सा आपको पलक झपने का जो समय होता है ना इतना वक्त दूंगा प्रभु, और उसी पल तुम्हें यह कार्य करना। हल्का सा ठाकुर जी भगवान शिव को ऐसा लगा कि बाणों के प्रहारों से मूर्छा आई, और हल्का सा जैसे पलक लपका ऐसे भाव में हल्का सा मूर्छित हुए, आंखों को बंद किया। उतने ही समय में बाणासुर के सहस्त्र माने सारी भुजाओं को भगवान कृष्ण ने काट डाला। सुदर्शन से उसका वध करना चाहते हैं, छोड़ूंगा नहीं तुझे आज, लेकिन भगवान शंकर ने रोक लिया, नहीं भैया ये हमारा धर्म पुत्र है, अहंकार के कारण ही इसने ऐसा किया है, लेकिन ये वास्तविक में तो धर्म युक्त है, क्योंकि ये बिल्कुल भी राजा बलि के परिवार से है, वो प्रहलाद के परिवार से था, भाणासुर जो था। तो भगवान ने कृपा की और उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ में करके या द्वारका में लेकर के आई। प्रेम से बोलेंगे द्वारकाधीश भगवान आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे। देखो एक दानचंद नाम के व्यक्ति थे, तो वो कोई दानवान नहीं करते थे मैया। तो एक दिन की बात, सभी गांव वाले लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। तो जब ये गंगा स्नान करने जा रहे हैं, अगर गला सूख रहा हो किसी का तो जल पी लेना, तब तक हमारा भी काम हो जाएगा, और सभी बड़े प्रेम से जल पान कर लो, कोई बात नहीं। तो जब वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, पत्नी ने कहा तुम घर पर ही पड़े रहो, अरे नहीं थोड़ा सा गंगा स्नान कर ही ले। तो कहने लगे ठीक है तू कह रही है तो गंगा स्नान करने चलो जाओ। अच्छा 30 किलोमीटर गंगा मैया थी। उन्होंने कहा बस मैं कहाँ बैठ के जाऊंगा, पैसा देना पड़ेगा, किराया खर्च होगा, पैदल ही चल। तो भैया वो पैदल ही जाने लगे बेचारे। और सुनो पैदल जाते 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 गंगा पर पहुंच ही गया। लेकिन जब गंगा पर पहुंच गया ना, तो अब विचार करने लगा किस वाले घाट पर स्नान किया जाए। देखो भैया अब या घाट पर सब स्नान कर रहे हैं या आनंद नामक घाट पर स्नान करोगे, तो सुनो ब्राह्मण पुजारी पंडा बैठे हुए हैं, दक्षिणा देनी पड़ेगी। उन्हें कहा और दक्षिणा हम दे नहीं सकते और ये मानेंगे नहीं, झगड़ा हो जाएगा किसी से, तो क्या करना है? उन्होंने कहा गंगा को ही स्नान तो करना है ना,
इसलिए क्या करना है, एक काम करते हैं, चलो जहाँ कोई भी स्नान नहीं करता वहाँ स्नान करेंगे। और वो देखिए कौन से घाट पर आया पता है, मुर्दा घाट, जहाँ मुर्दों को आकर के बहा दिया जाता है वह स्नान करते हैं ना, उसी घाट पर आ गया बेचारा। और देखो वहां भी डर लग रहा है, और इधर उधर देखा सावधानी से कोई नहीं है, बिल्कुल एकांत है, कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल एकांत है। एकदम से वस्त्र नीचे उतार दिए और अपना जो भी जैसे भी था, बड़े प्रेम बड़े आनंद से धीरे से गंगा में प्रवेश कर गया। और उसने विचार किया जल्दी स्नान कर लो, तो भैया एक ही डुबकी लगाई, एकदम से एक डुबकी में हर हर गंगे जय श्री नाम जय श्री कृष्ण, बस हो गया स्नान और निकल के जैसे ही आने लगो। तो ठाकुर जी ने विचार किया कितनों कंजूस है, बताओ मुर्दा घाट पे आके स्नान कर, हो यजमान की जय हो। दानचंद के मन में आया यहाँ तो कोई नहीं था, लेकिन यह कैसे आ गया। उन्होंने कहा भैया या मुर्दा घाट पे कहा करो तुम, अरे वहाँ आनंद नामक घाट पे जाओ, वहाँ पर कितने कितने लोग आमे दान दे में और दक्षिणा पानी हो करे, आप यहाँ पे क्यों आ गए। तो भगवान बने हुए पंडा कह रहे हैं सुनो भैया हमें ना जानो आनंद नामक घाट पे, हम तो यही घाट पर रह में, सो तुम्हारे जैसे कोई कोई ही साल दो साल में आ जाए स्नान करने के टाइम, सो वो ही साल दो दो साल को प्रबंध कर जाए हमारे होते। दानचंद कहने लगा सुनो मैं उन वाले दान वालों में से नहीं हूँ, मैं तुम्हारा साल भर का इंतजाम नहीं करूंगा। भगवान कहने लगे पंडा बने है ना, उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं है, एक साल का मत करो, छह महीने का ही कर दो और संकल्प कर लो जल्दी से। दानचंद कहने लगा बावले हो गए हो, मैं छह महीने का भी नहीं करूंगा। भगवान ने कहा तो मत करो, कौन कह रहा है छह महीने का, तीन महीने का कर लो, फिर कोई यजमान आ जाएगा उसे देख लेंगे। दानचंद ने कहा मैं बिल्कुल तीन महीने का नहीं करूंगा। उन्होंने कहा तो फिर एक महीने का तो कर लोगे। उन्होंने कहा बिल्कुल एक महीने का भी नहीं करना चाहता मैं। भगवान ने कहा तो फिर क्या करोगे, पंद्रह दिन का कर लो। नहीं नहीं मैं एक दिन का भी नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। पंडा बने भगवान कहने लगे जाने नहीं दूंगा, दान करना पड़ेगा, बताओ कितना कितना दान करना। अब बेचारा फंस गया चक्कर, उसने कहा ये नहीं जाने देगा बिना दान के भैया, ने कहा दान तो करना पड़ेगा। अच्छा अपनी मर्जी से कर लो भगवान ने कहा। उसने कहा ठीक है हम एक ढेला दान कर, और सुनो वह भी उधार रहेगा। जब हमारे घर पर आओगे तो ले जाना, मना नहीं कर रहे, घर पर आओ तो ले जाना, अब नहीं है हमारे पास। भगवान ने कहा बड़ा कंजूस है भाई, तो एक ढेला दान किया वो भी घर आके लो, एक ढेला लेने के लिए कितने ढेले खर्च करके जाओ किराए में, तब जाकर लाओ। वो भी बड़ा चालाक था दानचंद, उसने कहा एक ढेले के लिए पांच ढेले खर्च करके थोड़ी आएगा, उसने कहा आएगा ही नहीं, इसलिए कह दिया एक ढेला दान करना वो भी घर आओ तो ले लेना। भगवान ने कहा ठीक है लो अपने वस्त्र जाओ, दान हो गया तुम्हारा। और जैसे ही बेचारे पैदल ही तो आए दानचंद, पैदल ही गए, धूप पड़ रही, सो भैया जाकर के घर पे गिर पड़े बेचारे, खटिया बिछा दी पत्नी ने, लेट गए, सोई जैसे ही लेटे जाकर सोई पंडा बने भगवान दरवाजे पर खड़े होके कहने लगे यजमान की जय हो। पत्नी बाहर निकल के आई, देखा कौन है, वही तिलक लगा के पंडा। उन्होंने कहा दानचंद हैं क्या, हाँ हैं, जाकर के कह दो जो ढेला दान करके आए हैं वो पंडा जी आ गए। पत्नी जाकर के कहने लगी सुनो जी कोई दानवान करके आए हो, हाँ अरे एक ढेला दान किया है कोई, वो क्या आने वाला है एक ढेला के लिए, क्यों टेंशन ले रही है, मैं कुछ नहीं देने वाला, आने वाला नहीं आ गया है, आ गया है, आ गया है, हाँ ढेला मांग रहा जाकर दे दो। दानचंद कहने लगा मैं नहीं देने वाला, सुने एक काम कर उसे जाकर के कह दे कि थक गए हैं, कोई व्रत था तो पैदल गए, पैदल आए, और पैदल आने जाने से ना बहुत
पीड़ा हो रही है, परेशान से हो गए, कुछ बीमार से हो गए, फिर कभी आना। तो पत्नी ने आकर के कहा, हमारे जो पति दानचंद है ना, वो थोड़ा थक गए हैं, बीमार से हो गए, फिर कभी आना। तो एकदम से पंडा बने भगवान, कहने लगे राम राम, यजमान की जय हो। बताओ यजमान बीमार पड़े हैं और हम फिर कभी आए? अरे उनकी देखभाल के लिए कौन है यहाँ पर? हमें ही तो देखभाल करनी है, इसलिए हम यहीं रह करके जब तक एक दो चार पाँच पंद्रह दिन में ठीक नहीं हो जाते, बस तुम भोजन बना के खिलाती रहना और मैं उसकी देखभाल करता रहूंगा। बेचारी पत्नी गई अंदर, कहने लगी सुनो, एक धेला के चक्कर में जब तक ठीक नहीं होगी तब तक भोजन बना के मुझे खिलाना पड़ेगा, जाकर के दे दो देला। अभी भी कहती हूँ मान जाओ बात, नहीं दे सकता तो फिर क्या कह दूं? दानचंद ने कहा एक काम करो, तुम ऐसे नहीं जाएगा। वो कैसे जाएगा? उसने कहा जाकर के यह कह दो कि दानचंद मर गए। पत्नी कहने लगी क्या बक रहे हो, मैं अपने मुख से कैसे कह दूं? आंखें निकाल के कहा हमने कहा ना कि ढेला नहीं देंगे, हम कह रहे हैं जाकर बोलो दानचंद मर गए। बेचारी पत्नी सिकुड़ती हुई आई, उसने कहा आंखों में अश्रु लगा करके और ऐसे मीटते हुए, राम राम, हे भगवान तुमने क्या कर दिया। पंडा बने पुजारी भगवान कहने लगे क्या बात है गई मैया, कुछ मत पूछो, दानचंद मर गए। पंडा कहने लगे हाय राम, एक धेला के काजे मर भी गए, बड़ा कंजूस है। भगवान ने कहा, बेचारी सोच रही है पंडित जी अब तो तुम जाओ, क्योंकि अब तो कोई सहारो ही ना है, अब धेला वेला तो मिलने वालों ना है। लेकिन पुजारी जी कहने लगे चले तो जाएंगे मैया, लेकिन तुम अकेली हो, अबला नारी हो, तुम कैसे कैसे प्रबंध करोगी, इसलिए सारे गांव वालों से कह के आता हूँ कि दानचंद मर गए। जब खरदूषण की सेना का वध भगवान राम ने किया ना, तो अनेक रूपों में ऐसे ही बन करके सारे गांव में घर घर कह दिया दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। सारे पड़ोसी पूरा गांव पल मात्र एक साथ बहुत ही जल्दी इकट्ठा हो गया। अब रो रही है बैठी बैठी दानचंद के पास में, और ऐसी सांस चढ़ा गयो बिल्कुल भी चू ना कर। सारे गांव वाले आ गए भैया और देख रहे हैं कि बाकी में दानचंद मर गए, बिल्कुल आंखें ना खोले, और पत्नी रो रही है। अब रोना धोना थोड़ी देर के लिए जैसे जैसे चलता रहा उसके बाद धीरे 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 बंद होता गया। गांव वालों ने कहा कोई नहीं है बेचारे का, मर गए। अब तो वही जो काठी का प्रबंध होता है किया, दानचंद के हाथ पैरों को उठाने लगे और लेकर के काठी पर जैसे रखने का कार्यक्रम शुरू किया, तो पत्नी कहने लगी हाथ जोड़ के, सुनो इनको मत ले जाओ, ये ना मरे। और गांव के लोग कह रहे हैं हाँ देवी मैया आप बिल्कुल सत्य है, ये मरे नहीं है, क्योंकि मरने के बाद हर कोई कहता है यह तो हमारा मोह है कि ये मरे नहीं है, और ये मरे कहाँ, ये तो तुम्हारे पास ही रहेंगे ना, मरा तो इनका शरीर है, सो ये जाएगा, जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और वो बिल्कुल सही कह रही है कि ये नहीं मरे, इन्हें छोड़ दो, अरे ये मरे ना है, मत ले जाओ इन्हें। और गांव वाले कह रहे हैं ये तो मोह है तुम्हारा, मर जाने के बाद हर कोई यही कहता है कि ये मरे नहीं है, ये मेरे साथ है, सो तुम्हारे साथ तो बने रहेंगे। और पत्नी चिल्ला रही है, रो रही है बेचारी, ना ये मरे हैं ही ना, अरे ना छोड़ दो, नहीं मरे हैं। गांव वालों ने लेकर उठाया और कांटी पर रखा और कस के बांधा। भगवान देख रहे हैं कितना पक्का है भाई, ये तो चू नहीं कर रहा, बिल्कुल श्वास भी नहीं लिया दानचंद ने। गंगा के किनारे ले जाकर के चिता लगा दी, चिंदिया उसमें, अग्निदाह की बारी आ रही है केवल मात्र। और भगवान देख रहे हैं बेचारे पंडा बने भाई बहुत कंजूस है, ये तो अग्नि लगने ही वाली है थोड़ी देर में, और अग्नि लगते ही स्वाहा हो जाएगा, लेकिन ये आंख नहीं खोल रहा है। लेकिन भगवान ने कहा भैया हम तो जाते हार गए, हम तो याते हार गए। अब एकदम कहने लगे लोगों से, सुनो भैया मेरो यजमान था दानचंद, कान में मंत्र बोलूंगा कुछ तो मुक्ति मिल जाएगी, कर लूं क्या? लोगों ने कहा शीघ्र समाप्त करो, जल्दी करो। कान में जाके कहने लगे भगवान बने पंडा, सुनो दानचंद
आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। मैं कोई पंडा वंडा नहीं हूँ, मैं बैकुंठ से आया हूँ, श्री हरि हूँ, दर्शन करो और सुनो, तुम्हारे हित प्रेम हो गया इसलिए आया हूँ। जो भी मांगना चाहते हो मांग लो। एकदम से जैसे यहाँ खोली, कौन आगो भैया देने वाला, और जैसे ही आंखें खोली ना, एकदम से वही पंडा सामने से वही राम, आंखें बंद कर ली बिल्कुल, ये तो वही पंडा है, एक धीला लेने वाला, ये कहां थे को हम। पंडा जी ने फिर से कान में कहा, भैया आंख खोल, मैं धीला नहीं जा रहा, आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। मांग क्या मांगना चाह रहा है, जो मांगेगा वही दूंगा, तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तेरे से भाव से प्रसन्न हूँ। लेकिन वही दानचंद कह रहा है, बस धेला दीजे छोड़, मेरी जिंदगी चाहता है तो धेला को छोड़ दे और अपने बैकुंठ में चला जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जा यहाँ से। भगवान ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, भैया तू अपना अपने घर जा। तो भगवान परायण कर गए बैकुंठ के लिए, और बेचारा वो दानचंद आ गया। तो कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं ना, भगवान उनसे भी लीला करने में बड़ा आनंद लेते हैं भैया, इसलिए इतना हट करना, कभी कभी हट करो तो ऐसा करो कि भगवान भी जल जाए मर जाए पर ढीला नहीं लगे, ठाकुर जी को भी नतमस्तक कर दो, तो ऐसा हट करना तो अच्छी बात। ऐसे थे दानचंद, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल, आनंद कंद भगवान जय हो। और देखिएगा उसके बाद सुखदेव जी ने कहा, भैया एक बार यह राजकुमार लोगों ने एक उपवन में भ्रमण किया था, तो वहां एक गिरगिट को देखा था पड़े हुए कूप में। सज्जनों देखिए यह गिरगिट जानते किसे कहते हैं, संस्कृत में उसे कहते हैं कर्कलाश, और उसे गिरगिट भी कह देते हैं, रंग बदलता है वो, इसलिए गिरगिट कहते हैं। लेकिन उसे आप अपने गांवों की भाषा में लोग कहते हैं करकेटा, कभी देखा था गांव में, तो वही होता, वही गिरगिट था, और वो पड़ा हुआ था उस कुएं में, कूप में। तो देखा यदुवंशियों ने, भगवान के पुत्रों ने, आदि ने, तो जब देखा है तो भगवान से जाकर कहा, और गोविंद ने आकर के जैसे उसका स्पर्श किया, वो भगवान का स्पर्श पाते ही एक बड़ा पावन दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान की प्रार्थना करने लगा है, हे भगवान आपने मुझे कृतार्थ किया। ठाकुर जी ने कहा कौन है आप, तो कहने लगा है प्रभु जी मेरा, मैं किसी जन्म में नृग नाम का राजा था। भगवान ने कहा बाप रे, राजा होने के बाद में यह नरक में आना पड़ा, क्या अपराध करके आए थे। मैंने कहा मैं बहुत बड़ा दानी था। ठाकुर जी ने कहा यही तो अपराध किया, क्या अपराध, क्योंकि अहंकार आज भी झलक रहा है दानी होने का, मैं बहुत बड़ा दानी था। ठाकुर जी ने कहा यही कारण से तुम आए हो क्रिकेट बनने के लिए, आज भी झलक रहा है, दिख रहा है कि तुम बड़े दानी थे। अच्छा दानी थे तो भैया अपराध कौन सा कर बैठे, क्या दान करते थे। उन्होंने कहा मैं प्रतिदिन गाय दान करता था। ठाकुर जी ने कहा राम राम, गाय दान करने वाला व्यक्ति गिरगिट योनी में जाकर के नरक भोग सकता है, तो फिर आप सोचना क्या आपके लिए कहा जा रहा है। कितने समझदारी से जीवन को चलाना यह समझ लो। अगर पुनः भगवान की गोविंद की प्राप्ति करनी है ना, अपने आप के स्वरूप का चिंतन करना है स्वयं तुम्हें, तो फिर तुम्हें अपनी सावधानी से अपने आप को संभालना है। समझदारी के लिए सारा ही काफी होता, मैं ज्यादा प्रत्यक्ष क्या समझाऊं तुम्हें, ध्यान रख लो। उन्होंने कहा भैया पाप क्या किया था, पर दानी थे तो। उन्होंने कहा मैं प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करता था गाय, एक दिन मेरे दान की हुई गाय छूट करके मेरे ही गायों में आकर मिल गई, मैंने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को एक दिन दान कर दिया। जिस ब्राह्मण की गाय थी वह ढूंढता हुआ उसे आया, जिस ब्राह्मण को दान में की थी वह ले जा रहा, दोनों मार्ग में मिल गए। उसने कहा यह मेरी है मुझे दे, छुड़ा ली। उसने कहा नहीं यह मेरी है मुझे महाराज ने आज ही दान किए, भैया मैंने कोई चोरी नहीं की। उसने कहा तो चलो महाराज निर्णय करेंगे। राजा के पास में आ गए दोनों, एक गाय से उसी को लेने का मन है दोनों का। राजा ने कहा कोई बात नहीं, गाय तो मैंने ही दान की थी ना तुम्हें। उसने कहा महाराज यह मेरी गाय है, आपने मुझे वर्षों पहले दान किया, लेकिन यह मेरी खो गई, छूट गई, भाग आई, आपकी गायों में मिल गई, आप इस गाय को मुझे दे दो, यह मेरी गाय है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। राजा ने कहा
गाय दान तो मैंने ही की थी ना, अरे मैं तुम्हें और गाय दे दूंगा दान में, आज मैंने इसे दान कर दिया। अब उसे समझाने लगे, भैया तू दूसरी गाय ले ले, नहीं इसी को ले। दोनों ब्राह्मण लड़ते हुए झगड़ते हुए राजा के दरबार में से चले गए, लेकिन वो कोई न्याय नहीं कर पाया। राजा होकर के प्रजा का न्याय न कर पाए तो दंड का अधिकारी होता है। और सज्जनों, जब यह मृत्युलोक से गया और जब इसका लेखा जोखा देखा गया ना, तो वहां पर बड़ा सुंदर कहा है, भैया इसके जीवन में केवल एक ही बात, केवल पुण्य ही पुण्य समादिष्ट है, या पुण्यों का बड़ा बहुत बड़ा समागम, केवल पुण्य। तो इससे कहा गया, भैया एक बात बताओ, पहले पुण्यों को भोगना चाहते हो या पापों को भोगना चाहते हो? तो इसने कहा, हमारे जीवन में एक छोटा सा पाप है प्रभु, उसे भोग लेते हैं। अच्छा, पाप भोगने के बाद में क्या होगा? फिर तो पुण्य ही रह जाएगा, तो फिर पुण्य को भोगते रहेंगे। एक पाप है छोटा सा, उसे नष्ट कर ले जीवन से। जब यह नष्ट हो जाएगा तो फिर पुण्य में हो जाएगा जीवन, तो फिर आनंद ही आनंद होगा ना जीवन में। इसलिए उस पाप को भोगने के कारण मृत्यु लोक में जब आए तो गिरगिट बनाकर इन्हें भेजा। और सुनो, अब यह पाप का फल होता है, कभी भी ऐसा हमारे सामने प्रश्न आ जाता है कि आप बताओ पाप और पुण्य में से क्या मांगना चाहते हो, तो कभी पाप को मत मांगना, केवल यही कहना पाप जो भी है ना उसे बाद के लिए संभाल के रख दो, हमें पुण्यों को दे दो। अच्छा, आप कहें उससे होगा क्या? उससे यह होगा कि पुण्य के बल पर आप पापों को नष्ट कर सकते हो, पाप के बल पर पुण्यों को भी खत्म कर सकते हो, दोनों का मतलब है। देखिए, पुण्य होगा, पुण्य का प्रताप होगा, भक्ति करोगे, अच्छा जीवन मिले, अच्छा कार्य करो, अच्छी भक्ति करो, तो शायद तुम्हारे पाप नष्ट हो जाए। अच्छा, पाप भोगोगे तो वह पुण्यों को भी नष्ट कर देगा निश्चित। तो पाप योनि में चला गया, गिरगिट बना। आप गिरगिट बनने के बाद क्या होता है आप जानते हैं? संसार में आया हुआ हर जीव अपने उदर की पूर्ति करने में लगा, और वह अपने उदर की मात्र किसी से कुछ नहीं कहता और जीवन में कुछ भी नहीं करता, केवल एक ही काम करता, पेट भरना। और अपने पेट को भरने के लिए उसे जीवों का भक्षण करना होता है। जैसे कि आपने देखा है, एक गिरगिट एक अपने से छोटे जीव का भक्षण करके, कितने प्रकार की योनियां हैं संसार में, या एक दूसरे का भक्षण करती हुई जीवों को खा करके अपने पेट का पालन करती है। उस जीव का भक्षण करने से यह पाप योनि में चला गया, और जितने भी इसके पुण्य थे सब समाप्त हो गए, पाप ही पाप इसके जीवन में रह गए। आज भगवान की कृपा से भगवान ने इसका उद्धार किया, और जब भगवान ने इसका उद्धार कर दिया ना, तो ठाकुर जी से यह बहुत सुंदर कह रहा है, प्रभु आपकी प्रेरणा, आपके पुण्य के द्वारा यह सब कुछ मुझे मिला है, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि वंदन कर रहा हूँ, मुझे आप क्षमा कर। भगवान ने कहा जल्दी जाओ, आज के बाद अहंकार मत करना, अभिमान कभी मत करना, इसे निकाल करके रहना। जीवन में अहंकार अभिमान करोगे ना तो आनंद नहीं मिलेगा। इस प्रकार से भगवान ने आनंदित होकर के देखेगा, बड़ी श्रद्धा बड़े प्रेम बड़े आनंद के साथ में इसको कृतार्थ किया। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान जय हो, आनंद कंद भगवान जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। मेरे जीवन के आधार, मेरे जीवन के आधार, प्यारे राधा रमण सरकार, मेरे जीवन के आधार, प्यारे राधा रमण सरकार, मेरे जीवन के आधार, प्यारो राधा रमण सरकार, मेरे जीवन के आधार, प्यारे राधा रमण सरकार, मेरे जीवन के आधार, प्यारो राधा रमण सरकार, मेरो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, मेरो राधा
तुमसे प्यार, अब हो गया तुमसे प्यार, हो अब हो गया तुमसे प्यार, प्यारे राधा रमण सरी राधे, जीवन के आधार, हो प्यारो राधा रमण सरकार। गरीब हूँ तो क्या है, मैं गरीब हूँ तो क्या है, ओ मैं गरीब हूँ तो क्या है, मैं गरीब हूँ तो क्या है, तुम तो धनी हो मेरे, ओ तुम तो धनी हो मेरे, ओ मैं गरीब हूँ तो क्या है, तुम तो धनी हो मेरे, अपने भी दिन कटे, अपने भी दिन कटेंगे, तेरे डर की खाक बनके, अपने भी दिन कटेंगे, तेरे डर की खाक बनके, ओ नदी तलवार चले न चले, ओ नदी तलवार चले न चले, तुम गर्दन नीचे किए रहना, तुम गर्दन नीचे किए रहना, वो कहते मरे तो मरे रहना, वो कहते लिए तो लिए रहना, वो कहते लिए तो तो श्याम मोरे हरि जी मोरे रे हो, नाथ मोरे नैनया के रही हो, श्याम मोरे नैनया के रही हो, हरि जी मोरे नैनया के रही हो, हरि जी मोरे नैनया के रही हो, श्याम मोरे नैनया के रही हो, ओ हरि जी मोरे नैनया के रही।
दोनों हाथ ऊपर करते हुए और ताली बजाते हुए सभी भक्त कहेंगे ओ साडे बारे आ जाओ रंगीले रसिया ओ साडे बारे आ जाओ रंगीले रसिया साडे बारे आ जाओ रंगीले रसिया साडे बारे आ जाओ रंगीले रसिया 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 ओ साडे ओ साडे एक बारे आ जाओ रंगीले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो आनंद कंद भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम अद्भुत स्नेह आनंदमय भाई